तो मेरे श्रोताओं के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए MBBS 2021 एडमिशन सीजन शायद आज ही खत्म हुआ है, या मुझे कहना चाहिए कल खत्म हुआ है 9 तारीख को, जहाँ काफी जगहों पर स्ट्रे मॉप अप चल रहे थे। ठीक है, एक आध दिन अभी और बचा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ क्योंकि फॉर मेरे हिसाब से आज 10 अप्रैल 2022 नवरात्रि का 9वां दिन, रामनवमी का शुभ दिन, और आज मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, शायद पहला वीडियो MBBS 2022 के लिए, MBBS 2022। और जैसा मेरे पुराने लिसनर्स जानते होंगे, आपको लगातार अपडेट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है इस चैनल पे। सो जो भी MBBS 2022 के एस्पिरेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वो नए हैं, और जो पुराने हैं उनके पास तो है ही। और तो देखिए, आज नीट का फॉर्म 2 दिन पहले निकल गया था, लेकिन मेरे जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, मैंने उन्हें कहा था कि कल तक मैं या 9 अप्रैल तक मैं बिजी था स्ट्रे मॉपअप में अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए। परसों भी मैं दिल्ली के बाहर था, कल भी मैं हरियाणा में गया था PGMS रोहतक में, जहाँ हरियाणा का स्ट्रे मॉपअप चल रहा था। तो आज सुबह मैं आपके लिए बना रहा हूँ शॉर्ट वीडियो नीट फॉर्म को लेके, किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले होम पेज, जो लोग खुद करते हैं अपना काम, neet.nta.nic.in, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ये नीट का होम पेज रहता है। और देखिए, एक नीट का ब्रोशर निकल चुका है, अगर आप इस कॉलम में जाएंगे आप पूरा ब्रोशर देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, एग्जामिनेशन शेड्यूल हमें पता ही है 17 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो इस पेज पे रहता है वो है फैक्स, और मैं आपको, मैंने जैसा कहा कि मैं, और ये होता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना, इस लिंक को आप दबाएंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा जिसपे आप रजिस्टर करेंगे। जब हम ये रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है फ्यूचर के लिए, देखिए वो होता है नीट एप्लीकेशन नंबर। सो नए स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये नीट एप्लीकेशन नंबर, बाद में आपको मिलेगा नीट रोल नंबर, और आपका ये NTA का पासवर्ड जो आप बनाएंगे, यही 3 चीजें होती हैं जो आपको ध्यान से रखनी है। तो जब हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें ये लोग एप्लीकेशन नंबर अलोकेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको ना फैक्स में लेके चलता हूँ, जिसमें आपको काफी जानकारी मिलती है। देखिए, सबसे पहले आप एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर यूज करेंगे, दोनों में ही आपको एक OTP मिलेगा जिसको आप डालोगे जब आप इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। और मेरी सलाह रहती है सबको कि स्टूडेंट का या पेरेंट का जिसका भी लीजिए, मेरे पर लास्ट टाइम ये भी केस आया था कि सर हमने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया था, राइट। अब होता क्या है कि इसमें ईमेल से भी काम चल जाता है और आपसे वो ऑल्टरनेट नंबर पूछते हैं। तो सबसे पहले प्लीज अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरने में गलती मत कीजिएगा। उसके पास ये सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके पास चॉइस ऑफ सिटी पूछी जाएगी आपको, या आपको क्या एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। पेरेंट और गार्जियन की जो इनकम होती है ना वो भरनी होती है, लेकिन वो टेक्निकली ऐसा नहीं है कि आपकी एडमिशन में उसका फर्क पड़ेगा। ये लोग कह रहे हैं कि एक सेंड एस एप्ली ऐप है, वो तो पेरेंट्स डाउनलोड कर लीजिए। जैसा मैंने कहा, हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 3-4 चीजें, आधार नंबर काफी हद तक मैंडेटरी होता है, तो जिस बच्चे का आधार नहीं बना वो बनवा लो। ठीक है, 2 तरह की फोटोग्राफ अपलोड होंगी, वो भी बताऊंगा मैं, एक पासपोर्ट साइज एक पोस्ट कार्ड साइज, वो हम यूज करेंगे। उसके बाद ये नंबर 12 13, हम सब जानते हैं कि 4 नंबर करेक्ट आंसर के, 1 नंबर रॉन्ग आंसर का। दूसरी बात का ध्यान रखिएगा कि इस बार जो एग्जामिनेशन टाइम है वो 20 मिनट बढ़ा दिया गया है, क्वेश्चंस 180 ही रहेंगे, फॉर्मेट भी सेम रहेगा, सिलेबस भी सेम है, बट समय 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 1600 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, EWS OBC के लिए 1500, SC ST के लिए 900 रुपये। OBC को लेकर एक बात बता दूं, कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि आप लोग स्टेट OBC हैं, नेशनल OBC नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि नीट का फॉर्म भरते हुए आपने अपने आप को उस हिसाब से सिलेक्ट करना है जो आप नेशनल है, विच मीन्स अगर आप स्टेट OBC हैं पर नेशनल OBC नहीं है तो फिर आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे नीट का फॉर्म भरते हुए। और जब स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अपने अपने स्टेट में अपने आप को आप OBC बना सकते हो। जैसे हम जानते हैं ना, MBBS इंडिया में एक नेशनल लेवल की सीट्स हैं, एक स्टेट लेवल की सीट्स हैं, तो NTA के फॉर्म से फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स NTA का ही डेटा जाता है MCC की काउंसलिंग के लिए, तो उसमें आप जनरल कैटेगरी के बच्चे रहोगे,
ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, और जब आप अपने स्टेट्स के लिए भरोगे, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, हर स्टेट जो अपनी अपनी स्टेट काउंसलिंग करता है, फिर आप अपने आप को ओबीसी दिखा सकते हो। उस बात का आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं एक और चीज बता दूं, खासकर जो लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, देखिए ऑल इंडिया लेवल पे 8 लाख रुपए इस ईडब्ल्यूएस लिमिट, हम सब जानते हैं राइट। लेकिन जो चीज हम नहीं जानते जो कि इक्वली पॉपुलर है वो ये है कि हरियाणा में जैसे 6 लाख रुपए लिमिट थी ईडब्ल्यूएस की, हिमाचल में 4 लाख रुपए होती है। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने वाले हैं वो एक बार अपने ना स्टेट का ईडब्ल्यूएस लिमिट चेक कर लीजिएगा, और जो एकमात्र फॉर्म ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने वाले हो वो उसी हिसाब से बनवाइए, तो पता चलता है अभी आपने 8 लाख के हिसाब से 7.5 लाख रुपए का ईडब्ल्यूएस का बनवा लिया और इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिया, और बाद में पता चलता है कि आपके स्टेट में तो 6 लाख या 4 लाख की लिमिट है। तो अपने स्टेट की ईडब्ल्यूएस की लिमिट को देखते हुए वैसा ही इनकम सर्टिफिकेट और वैसा ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा तो आपको फायदा रहेगा। टाइम ब्रेकिंग रूल देखिए बाद में काम में आते हैं, ये पढ़ लीजिएगा फैक्ट्स वीडियो में, समय हमें लेफ्ट और राइट हैंड इंप्रेशन भी पूरे डालने हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगा ठीक है। नीट यूजी क्या होते हैं हम सबको पता है, एनटी का क्या रोल है, मैंने बोला 17 जुलाई को पेपर होने वाला है ठीक है, 6 अप्रैल से लेके 6 मई तक है, अब समय आ गया है कि हम अपना फॉर्म भर लें राइट। और जो खास है, फॉर्म भरना बड़ा आसान होगा, क्रिटिकल चीजें हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इस फैक्ट में कुछ और ऐसा नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटमेंट रोल नंबर मिलने के बाद हम चेंज नहीं कर सकते। ये आ गया देखिए, जो तो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं फॉर्म भरने से पहले, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 60 से लेके 200 KB के बीच की, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ 4 इंच बाय 6 इंच 10 to 200 KB, सिग्नेचर बच्चे के, और लेफ्ट और राइट हैंड का पूरा फिंगर इंप्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने कहा, जो भी आप एस टी एस टी ओबीसी डब्ल्यू एस हैं, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और क्लास 10, क्योंकि ये लोग मान के चलते हैं क्लास 12 काफी बच्चों ने अभी तक नहीं लिया होगा राइट। आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए जैसा कि मैंने कहा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको ना फिंगरप्रिंट्स कैसे लेने हैं, वो बड़ी क्रिटिकल चीज है। एलिजिबिलिटी हम सभी जानते हैं 50% होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और एज का लिमिट हट चुका है आपकी जानकारी के लिए, तो किसी भी एज का बच्चा नीट पे बैठ के डॉक्टर बन सकता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज या ओपन स्कूल से पढ़े हैं तो फिलहाल आप नीट पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो रूल अभी तक वैलिड है, जैसा मैंने कहा कि एज लिमिट वगैरह हटा दी गई है, लोअर लिमिट हम जानते ही हैं ओके। अब आपको मैं वो दिखाता हूं कि जो कि अब आपको फिंगरप्रिंट कैसे देने हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग आ जाता है कि जब आप फिंगरप्रिंट देंगे, देखिए ये अपना नीट का फॉर्म। एक और होता है क्वालिफिकेशन कोड को लेकर कंफ्यूजन रहती है, देखिए वैसे वो 7 बोलते हैं, ये ब्रोशर है पूरा, मैं आपको उस पेज पे ले जाता हूँ। मोस्टली जो लोग इस साल 12th दे रहे हैं 2022 में, वो क्वालिफिकेशन कोड 1 सिलेक्ट करेंगे, बाकी जो ड्रॉपर्स है वो 2 सिलेक्ट करेंगे, 3 से लेकर 7 तक की टेंशन आप लो मत। ये देखिए तो लास्ट ईयर चेंज हुआ था कि 2 सेक्शन में एग्जाम आता है, सेक्शन ए के 35 ही 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, सेक्शन बी में से 15 में से कोई भी 10 करते हैं, तो 45 फिजिक्स से करते हैं, 45 केमिस्ट्री के, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी, तो बस ये एक ऑप्शन दे दी गई है आपको हर सेक्शन के सेक्शन बी में कि आप 15 में से 10 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का लेवल सब कुछ सेम ही होता है, तो ये क्यों करते हैं मुझे आता समझ में नहीं आता। हमें पता है कि पेन एंड पेपर से होगा पेपर, इतने सारी लैंग्वेजेस में पेपर होगा, 13 लैंग्वेजेस हैं, तो अगर आपको इंग्लिश के अलावा भी और लैंग्वेज लेनी है तो आप ले सकते हो ठीक है। अब उसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने फिंगरप्रिंट कैसे लेने हैं, वो एक अच्छी पिक्चर है, आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग, बाकी आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पेपर इकट्ठे कर लिए हैं तो ओबीसी का मैंने आपको समझा दिया, फोटोग्राफ सामने आ गई कि कैसे फोटो होनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा बहुत टेक्निकलिटी नहीं है ठीक है। जैसा मैंने कहा कि हम बच्चों का समय बर्बाद करने में मेरा विश्वास नहीं रहता, आई एम रियली सॉरी, वो मैंने पेज ढूंढ के रखा था जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने पेपर पे ना फिंगरप्रिंट्स बच्चे की कैसे रखनी है ताकि आप कोई गलती ना करें। ये सारी एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आ गई है, तो आप देख सकते हैं कि आपके शहर के पास कौन सा सेंटर पड़ता है,
और आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो पेज नंबर 81, 82, 83 में मिलेगा आपको। और इसके अलावा नीट के भी अगर आप होम पेज पे हैं तो आपके पास कहाँ गया, मतलब एक जगह था जिसमें आपको लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, तो ये देखिए एग्जामिनेशन शेड्यूल था, जैसे मैंने बोला ये तो आपका कुछ खास नहीं है, ई सर्विस में तो हमारा रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है, तो ये एग्जामिनेशन, ये आपकी सिटीज हो गई। पेज नंबर 80 के आसपास ब्रोशर में देख लीजिए, जो आपके घर के पास है आप चार उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जल्दी से मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, फिंगरप्रिंट आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे रखना है। ये लोग सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो भी बच्चे का सिंगल गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि तो कई कई स्टेट्स में रिजर्वेशन है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से सीट है, राइट। जैसे मैंने कहा जिनकी इनकम ज्यादा है वो ये मत टेंशन ले कि मैंने कितनी भरनी है, कम भरनी है या ज्यादा भरनी है। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहता था, तो ये हो गया कि आपको अपने फिंगरप्रिंट कैसे लेने हैं। ये देखिए आप, तो आप अपने दोनों हाथों को बच्चे को आप एक मतलब वो इंक लगा के उंगलियों पे स्टैम्प पैड को यूज करके फिर आप प्लेन पेपर में रख सकते हैं, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, ऐसे आप ये साइन अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, दोनों हाथों को आपको रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको क्विकली अब दिखाऊं, देखिए जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट पेज पे, तो बहुत ही बेसिक आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं 1600 रुपये, जो जनरल फीस है तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, बच्चे का नाम, पापा का नाम, अक्सर लोग डिस्ट्रिक्ट जरूर पूछते हैं, मैंने कई बार नोट करें कि बच्चों को ना ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का जरा पता करके रखिएगा। और जैसा मैंने कहा कि ऑल्टरनेट नंबर जो कि ऑप्शनल होते हैं पर आप ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है कभी कभार अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो, क्योंकि या आप फिर आपका ना वो रिकॉर्ड में आ जाता है, तो आप ज़रूर जो आपको ये ऑप्शन दे रही है ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर की, ये ज़रूर भरिएगा, उसमें आलस मत करिएगा, ठीक है। ये सब भरेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। और जो वीडियो सुन रहे हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ हम एक बहुत नॉमिनल 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं अब से लेके नीट रिजल्ट तक का, जी हाँ अब से लेके नीट रिजल्ट तक का, जिससे हम आपको नीट का तो फॉर्म अब निकल ही गया है, आईपीयू का फॉर्म निकला हुआ है, जो लोग दिल्ली डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं, या उसके अलावा कोई भी जनरल जानकारी आपको हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से या टेलीग्राम चैनल से मिलती रहेगी। और फिर जितने आपके मार्क्स आते हैं उसके हिसाब से हमारा काउंसलिंग पैकेज होता है, जो कि 20,000 से स्टार्ट होकर 1.5 लाख रुपीज़ तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। तो हमारा कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ जितना हमें बच्चे के लिए काम करना होता है उतनी हमारी फीस होती है। हम लिमिटेड क्लाइंट्स लेते हैं साल में, स्पेशली उस फुल पैकेज के लिए वी नेवर क्रॉस 100, ताकि एक एक बच्चे पे ध्यान दे सकें। और जहाँ तक काउंसलिंग की बात होती है, पेरेंट्स से डिसीशन की बात होती है, वो मैं पर्सनली करता हूँ, मेरी टीम सिर्फ फॉर्म्स वगैरह भरने में हेल्प करती है, तो आपको मेरा दिमाग और मेरी स्ट्रेटजीज पर्सनली बात करने को मिलती हैं जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक MBBS 2022 सीजन के बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा 9643362320, 9643362320, ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ वीडियो के, आप वहां पर भी देख सकते हैं। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस वीडियो में हम उन सब डाउट्स को इकट्ठा करके एक और वीडियो बना देंगे। सो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, गो हैव अ गुड डे, और फिर से हैप्पी रामनवमी।